How to enable community tab after completed 500 subscribers on YouTube. So let's start the video. जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जब YouTube पर अब 500 सब्सक्राइबर कम्प्लीट होते हैं तो हमें कम्युनिटी टैब मिलता है। तो हम अगर 500 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो गए तो कम्युनिटी टैब हमें नहीं मिला है अभी तक, तो कितने दिन बाद मिलता है, इसे कैसे इनेबल करते हैं। अब जो कम्युनिटी टैब वाला ऑप्शन होता है वो प्लेलिस्ट और चैनल के बीच में होता है, जबकि यहाँ पर प्लेलिस्ट के बाद सीधे चैनल वाला है। कम्युनिटी टैब का यहाँ पर नहीं इनेबल है, जबकि हमारे 500 सब्सक्राइबर एक हफ्ता हो गया है कम्प्लीट किए हुए। तो इसे हम कैसे इनेबल कर सकते हैं, तो देखते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो को इन तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे भी तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, क्रिएट शॉर्ट, अपलोड ए वीडियो, गो लाइव। तो ये यहाँ पे तीन ऑप्शन देख रहे हैं। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रोम ब्राउजर में जाएंगे एंड वहाँ पे कुछ इस तरीके से बीटा स्टूडियो ओपन होगा। तो यहाँ पे नीचे आप सेटिंग का ऑप्शन देख सकते हो, तो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड इस पर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे चैनल वाली सेटिंग पे क्लिक करेंगे। और इस पर भी तीन सेटिंग मिलेंगी, एक है बेसिक इनपुट, दूसरी एडवांस सेटिंग और तीसरा फीचर रिजल्टी। तो अभी हम एडवांस सेटिंग में क्या क्या करना है हमको, तो यहाँ पे जो लिखा है, तो यहाँ पे नो सेट दिस चैनल, मतलब हमें ये बच्चों के लिए वीडियो नहीं अपलोड करते हैं। एंड यहाँ पे जो लिखा है कि मतलब अब वो सब्सक्राइबर हिडन वाला तो चला ही गया है, तो चलो चलते हैं फीचर रिजल्टी में। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फीचर है वो हमें इनेबल करना है सेटिंग, जिसमें हमें वीडियो अपलोड प्लेलिस्ट क्रिएशन एड कोलैब टू प्लेलिस्ट एड नी वीडियो टू एक्सिस्टिंग प्लेलिस्ट, मतलब हमें इसे इनेबल करना है। सेकंड में क्या करना है, ये हमारा जो ऊपर लिखा है डिफ़ॉल्ट फीचर इनेबल करना है वो तो कर दिया है। एंड वेरीफाई फोन नंबर, फोन नंबर जो वेरीफाई करेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, अपनी वीडियो 15 मिनट से लॉन्ग अपलोड कर सकते हैं, साथ में हम थंबनेल लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो ये ऊपर थ्री ऑप्शन दिख रहे हैं, अपलोड वीडियो, गो लाइव और ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है। तो हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे सीधा यूट्यूब में ओपन हो गया है। चलो इसे हम बैक करते हैं पहले। अब यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो नीचे क्रिएट पोस्ट लिख के आ रहा है। तो हमारे यहाँ पे देखो इनेबल हो चुका है कम्युनिटी पोस्ट वाला ऑप्शन। तो अगर इसे हम यूट्यूब में जाके ट्राई करेंगे, अगर बीटा वर्जन में ना जाके यूट्यूब में हम ओपन किए एंड प्लस पे क्लिक कर रहे हैं जब, तो यहाँ पे जैसे हम प्लस पे क्लिक किए तो यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट ए पोस्ट वाला ऑप्शन इनेबल हो गया है। तो अभी हम कम्युनिटी पोस्ट वाला ऑप्शन क्रिएट ए पोस्ट पे क्लिक कर रहे हैं एंड यहाँ पे टेक्स्ट पोल, इमोज पोल और टेक्स्ट आया है। तो मतलब इमेज पोल है, वहाँ पे हम अपनी इमेज अपलोड कर सकते हैं, उसका भी पोल कर सकते हैं एंड टेक्स्ट वाला तो ऑलरेडी पहले से ही था। तो यहाँ पे हम देते हैं अगर कुछ भी टाइप करेंगे, तो चलो ठीक है मैं यहाँ पे कुछ वर्ड टाइप कर रहा हूँ, थैंक्स एट द रेट यूट्यूब, मतलब यूट्यूब एट द रेट इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे हम किसी चैनल को भी मेंशन करते हैं कर सकते हैं। और यार आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।